चलिए अब हम गिब्स फ्री एनर्जी को और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्पॉन्टेनिटी के टर्म में देखते हैं, यानी स्पॉन्टेनिटी और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम कैसे पहचानेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो हम जानते हैं कि जनरली जो हम लैब में जितने भी काम कराते हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किए जाते हैं। तो जब कोई सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि रिवर्सिबल कंडीशन में है, उत्क्रमणीय है, तब उसकी फ्री एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, यदि हम इसका अवकलन कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर लें, तो डी जी बराबर क्या हो जाएगा? डी एच माइनस, यहाँ दो टर्म है तो माइनस टी डी एस या माइनस एस डी टी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो एच बराबर होता है वो क्या होता है? यू प्लस पीवी। ठीक है, अब इक्वेशन टू से एच की वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पीवी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहां से आगे हम इसको और खोलते हैं, तो ये हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब अभी जैसा हमने देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस पी डी वी के, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि डी क्यू बराबर होता है टी डी एस, यानी टी डी एस बराबर हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। ये इक्वेशन हमारी हो गई, ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड और यहाँ से ये फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ से हम डी यू प्लस पी डी ये टर्म इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो हमारा इक्वेशन होगा टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जगह टी डी एस है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक, तो डी जी बराबर हो गया वी डी पी माइनस एस डी टी। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में हमने पी और टी को क्या माना है? स्थिर माना है, कांस्टेंट माना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डी पी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और डी टी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, यानी डी पी बराबर जीरो और डी टी बराबर जीरो। तो उस कंडीशन में डी जी किस कंडीशन में? जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गई, तो डी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही है, उसके लिए डी जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब हम देखते हैं कि ऐसी प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल है यानी कि जो अपने आप हो रही है, तो उन प्रोसेस के लिए जी की वैल्यू क्या होती है? तो यदि आपकी प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारा जी है, जी एच माइनस टी एस होता है। यदि हम इसका अवकलन कर दें तो डी जी बराबर डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और डी टी की वैल्यू जीरो हुई तो डी जी बराबर क्या बचा? डी एच माइनस डी एच माइनस
TDS, ठीक, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था इसलिए dT जीरो हो गया, इसलिए ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। अब हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होती है उसके लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और उस कंडीशन में डीएस की वैल्यू क्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है यहाँ पर, तो क्यू रिवर्स इरिवर्सिबल अपॉन टी की वैल्यू यदि हम कंपेयर करें तो डीएस की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। यदि टी को यहाँ ले जाए तो टी डीएस जो होगा वो क्यू इरिवर्सिबल से कैसा होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब हम टी डी एस को इस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो, ये हो गया क्यू इरिवर्सिबल माइनस टी डी एस, ठीक है। मतलब क्यू इरिवर्सिबल में से यदि हम टी डी एस को माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू शून्य से कम होगी, यानी निगेटिव वैल्यू होगी। और हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से कि यदि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी क्यू लिखें तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन पी डी वी। पर ये पूरी प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि यदि हम डी क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी जो कि इरिवर्सिबल है माइनस टी डी एस, और इसकी वैल्यू कैसी है, जीरो से कम है, ठीक है। यहां से यदि हम डी कॉमन ले लें तो ये बचेगा यू प्लस पी वी, और कैसा है, ये इरिवर्सिबल है माइनस टी डी एस। अब यू प्लस पी वी ये किसके बराबर होता है, ये एच के बराबर होता है, एंथैल्पी की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एच इरिवर्सिबल माइनस टी डी एस लेस देन जीरो। अब ये जो डी एच इरिवर्सिबल लिखा है तो हम जानते हैं कि जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है जो किस पर डिपेंड करता है, उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि आपकी प्रोसेस किस तरीके से हो रही है। तो चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डी एच की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हर कंडीशन में हम इसे डी एच लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डी एच माइनस टी डी एस, ठीक। तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, जीरो से कम। और डी एच माइनस टी डी एस क्या होता है, अभी हमने देखा था कि इसकी वैल्यू dg के बराबर होती है जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है उस समय dg की वैल्यू कैसी आई, जीरो से कम, यानी कि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस थी उसके लिए dg की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि अपने आप होने वाली प्रोसेस के लिए डेल्टा जी यानी मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि डी जी की वैल्यू देखकर हम बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस अपने आप होगी कि नहीं। यदि उसके लिए डी जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं ये प्रोसेस फीजिबल है, अपने आप होगी, स्वतः प्रवर्तित है। पर यदि डी जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगी। तो यदि हम इन दोनों को क्लब कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जीरो के बराबर होगा, है ना। तो मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के चिन्ह को देखकर, वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, हम उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को परिभाषित कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वो प्रक्रम साम्य में है कि वो प्रक्रम स्वतः परिवर्तित है कि नहीं। यदि dg की वैल्यू जीरो आती है इसका मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यदि उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब वो प्रक्रम जो है अपने आप होगा, यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है वो प्रोसेस अपने आप पॉसिबल नहीं है, उसे करना व्यर्थ है। तो इस तरीके से फ्री एनर्जी में होने वाले परिवर्तन को देखकर, उसके चिन्ह को देखकर हम किसी भी सिस्टम की रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के बारे में
बहुत ही आसानी से बता सकते हैं।